कोलकाता में महिला डॉक्टर के साथ हुए रेप और मर्डर मामले में पूरे देश के अस्पताल में काम करने वाले डॉक्टरों में रोष है और वो इस चीज़ की मांग कर रहे हैं कि उनके अस्पतालों को सुरक्षित रखा जाए और भविष्य में ऐसा ना हो। मैं इस वक्त हूँ मुंबई के राजावाड़ी अस्पताल में और देखिए कि यहाँ पर कैंडल मार्च निकाला जा रहा है और तमाम जो डॉक्टर्स हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि उनके अस्पतालों को सुरक्षित किया जाए। हम बातचीत करते हैं, आप लोगों की कैंडल मार्च किस लिए और क्या मांगे हैं, अस्पताल किस तरह से सुरक्षित रहें? जैसे हमने देखा कोलकाता केस में कितना हीनियस क्राइम हुआ है अगेंस्ट फीमेल डॉक्टर, सो आई वुड रिक्वेस्ट कि दिस इज़ नॉट अ फाइट ऑफ जस्ट रेसिडेंट डॉक्टर्स, ऑल दी डॉक्टर्स, इनफैक्ट ऑल दी हेल्थ केयर वर्कर्स इंक्लूडिंग नर्सेस एंड अदर स्टाफ शुड कम टुगेदर एंड सपोर्ट फॉर द जस्टिस। जस्ट गोइंग ऑन स्ट्राइक फॉर वन डे इज़ नॉट गोइंग टू चेंज द सिस्टम, सो वी ऑल एज अ नेशन हैज़ टू सपोर्ट द आवर कॉज। आप मैडम क्या चाहती हैं और किस तरह की मांगे हैं आप लोगों की और सरकार को क्या करना चाहिए, क्या कदम उठाने चाहिए जो है अस्पतालों में काम करने वाले वर्कर्स और डॉक्टर्स के लिए? सो सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट शुड बी पास्ड विच इज़ प्रपोज्ड इन 2022 बाय द गवर्नमेंट, सो वी वुड अर्ज द गवर्नमेंट कि नाउ इज़ द हाई टाइम कि वो पास किया जाए। मैडम आपकी क्या मांगे हैं? जैसा कि अभी स्त्री जो है वो आम जगह अलावा अस्पताल जो सबसे सुरक्षित माना जाता है वहाँ पे भी सुरक्षित नहीं है और डॉक्टर के अगेंस्ट जो वॉयलेंस अभी तक चलता आ रहा है इसके अगेंस्ट अब जो एक कायदा है सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट वो इसकी मांग हम कर रहे हैं। उसके अलावा जो कोलकाता में केस हुआ है उसमें एक फेयर जांच हो, सीबीआई प्रोब हो और उस केस में जो भी लोग इन्वॉल्व हो उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिले, इसके लिए हमारा स्ट्राइक है। और भविष्य में भी जो अस्पताल की सुरक्षा है, वुमेन के राइट्स है, उसको वो हमें हमारी वो सब मांगे हैं वो पूरी होनी चाहिए। आप लोग क्या स्ट्राइक पे भी जाने वाले हैं सरकार तक अपनी बात पहुंचाने के लिए, जो है अपने संदेश को पहुंचाने के लिए? अभी तो फिलहाल आज का पहला दिन है स्ट्राइक का, पूरे मुंबई में पूरे जो रेसिडेंट डॉक्टर है पूरे स्ट्राइक पे है, KEM बाकी नायर बाकी अस्पताल के भी और हम भी उसमें शामिल हो गए हैं। आज से जो चालू है वो हम देखेंगे, हम जो मांगे कर रहे हैं सरकार की तरफ की कड़ी से कड़ी सजा जो दोषी है उनको मिले, अच्छी तरह से जाँच हो जाए, CBI जाँच हो और प्रेसिडेंट रूल भी लाया जाए बंगाल में, ऐसा हमको लग रहा है क्योंकि एक अच्छी तरह से उधर जांच नहीं होती तो उसको न्याय कैसे मिलेगा ना, हम न्याय की बात कर रहे हैं और ये जो न्याय शक्ति के बारे में बात कर रहे हैं तो न्याय शक्ति कैसे हो पाएगी, जो हम भारत एक नारी का सम्मान करने वाला देश हम सोच रहे तो यहाँ पे ऐसा नहीं हो पा रहा है। जो ऐसी घटनाएँ घड़ी जा रही है, एक डॉक्टर जो कि 24 घंटे वहाँ पर काम कर रही थी और उसके साथ ऐसी तरह से वहाँ पर घटना घटी जाना और उसके बारे में अभी तक कोई ऐसा एक अहम भूमिका सरकार की तरफ से नहीं लेने जाना, ये कहाँ तो एक ऐसे संदिग्ध सी बात हमको लग रही है और इसी तरह से हम उसका एक निर्देशन कर रहे हैं और उसके बारे में हम कैंडल मार्च लेके उसका हम ये व्यक्त करना चाहते हैं। क्या आपको लगता है कि पूरे देश में जो अस्पताल हैं डॉक्टर्स हैं वो असुरक्षित हैं? जी हाँ, मुझे तो ऐसा लगता है क्योंकि कैसा होता है, हम 24 आवर ड्यूटी करते हैं, यहाँ का क्राउड कभी भी हम पे अटैक करता है, कुछ भी हमें बोल के चले जाता है तो भी लोग देखते रहते हैं, बट ये पहली बार ऐसा हुआ है कि इतना बड़ा प्रोटेक्शन, इतना बड़ा ये हो रहा है, स्ट्राइक हो रहा है ऑल ओवर इंडिया लेवल पर, ऐसा पहली बार हुआ है। हर डॉक्टर ने अपने लाइफ में कभी ना कभी कोई ना कोई सिचुएशन में ऐसा सब कुछ हैंडल किया है, बट ये सब चीज़ सबके सामने आती नहीं है। क्या लगता है लोगों की कि डॉक्टर्स है अपना काम कर रहे हैं ये करके चले आएंगे, बट ऐसी छोटी मोटी चीज़ जो रहती है ना डॉक्टर्स के साथ हमेशा होती रहती है, कैजुअल्टी हो, वार्ड हो, OPDs हो, कहीं ना कहीं भी हो, छोटा मोटा हर एक डॉक्टर ने, यहाँ पे जितने भी डॉक्टर्स हैं उन्हें छोटा सा छोटा कभी ना कभी कुछ ना कुछ ऐसा गलत उनके साथ हमेशा हुआ ही है। तो आप देखिए कि जो डॉक्टर हैं जो भगवान माने जाते हैं किसी का इलाज करके उनको ठीक करने के लिए, लेकिन आज वो सड़कों पर है। मैं आपको बताऊं कि मुंबई में आज जो है बड़ी तादाद में सभी डॉक्टरों अस्पताल के डॉक्टर जो है मुंबई के आज़ाद मैदान में पहुंचे थे और उन्होंने जस्टिस की मांग की थी। तो इस तरह से ये देखिए कि पूरे यहाँ पर तमाम लोग जो है जो डॉक्टर्स हैं वो पूरे यहाँ कैंडल मार्च के साथ जो है यहाँ से निकल रहे हैं और वो मांग यही कर रहे हैं कि अस्पतालों को सुरक्षित किया जाए, अस्पताल में काम करने वाले जो डॉक्टर हैं महिलाएं हैं उनके साथ जिस तरह के व्यवहार हो रहे हैं, जो अपराध बढ़ रहा है उससे रोकने की ज़रूरत है। तो मुंबई में आज इस तरह से मुंबई समेत पूरे देश में हम विरोध प्रदर्शन देख रहे हैं डॉक्टरों का, जो कोलकाता में घटा महिला डॉक्टर के साथ वो भविष्य में नहीं होना चाहिए। सारे डॉक्टर सरकार से ये आश्वासन चाहते हैं और इसके लिए विरोध कर रहे हैं। कैमरामैन योगेंद्र गुप्ता के साथ राजेश त्रिपाठी, ABP न्यूज मुंबई। फॉर एक्सक्लूसिव एंड इनसाइटफुल वीडियोस सब्सक्राइब टू आवर न्यू चैनल ABP लाइव प्रीमियम।